पता ही नहीं चल रहा पटाखा फूट गया। चलो पास हो गया तुम्हारा पुडिंग है। ये जरूर बिहारी भाई होंगे, एकदम 110% से लिट्टी वगैरह बनाते उनाते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और आज का जो है नोएडा का मौसम देखें, मैं दिखाती हूँ आपको। रुकिए, उस भगवान जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सूर्य भगवान। नीचे कुछ कुछ लोग हैं, बाकी को जहाँ जाना है वो निकल चुके हैं। और वहाँ पे जो है वो पार्टी हुई थी, वो ऐसे ही है, बच्चे खेलने धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन धूप आज लगता नहीं है कि होगा किसी की तरफ से। आसमान पूरा जो है ना वो बादल से घिरा हुआ है, लेकिन आज फॉग कम है, जैसे पहले था ना वैसा फॉग नहीं है बिल्कुल। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर काम करने के। और ठंड इतनी पड़ रही है ना कि कैसा हाल है, किस रूप रंग में हूँ मैं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ जो है कुछ शेयर करूँ। ये जो तो बिज़ी रूटीन होता है मैं हमारा, साथ में होता है आपका। आज ठंड के दिन है तो इतनी ठंडी पड़ रही है, इतनी ठंडी पड़ रही है, पानी छूने का ही मन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ नहा धो के बिल्कुल जो है ना घर की सफाई करके एकदम खड़ी हो गई हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, हमारी छुट्टी को तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। छुट्टी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अभी किसकी बेल बजी है, दूध वाले भैया आए होंगे, मैं देख के आती हूँ। यहाँ मैं जो है वो नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ, तो सबसे इजी जो है वो होता है आपका अपम। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है बनाने के लिए, टाइम सेविंग रहता है। पहले से ही जो है रवा थोड़ा सा फूलने के लिए दे दो, उसमें कुछ जो है कटा हुआ गाजर प्याज जो भी आप डालना चाहते हो, शिमला मिर्च डाल दो और फिर उसको डाल के और अपना बाकी का काम में लग जाओ। लेकिन यहाँ धनिया की चटनी बनानी थी, क्योंकि बिना उसके कोई खाने वाला नहीं है। आजकल का तो एक प्राइम जो है वो ये चल गया है कि चटनी होनी चाहिए, तभी जो है खाना कम्प्लीट होता है, अच्छा भी लगता है, थोड़ा चटपटा तो हो जाता है। कोई खाए ना खाए, मैं तो थोड़ा सा जो है वो मिर्ची ज़्यादा खाती हूँ, इसीलिए चटपटा चटनी का होना जो है अनिवार्य है। बच्चों भी आजकल जो है ना चटनी यूज़ करते हैं, पहले सॉस यूज़ करते थे, तो पहले इसे कंप्लीट करती हूँ। और भैया जो है वो बेल पे बेल बजाए जा रहे हैं, दूध वाले भैया, तो उसको भी लेके आती हूँ, क्योंकि वो भी जल्दीबाजी में है। इतना जो है ना धुंध है ना, मुझे लगता है ना कि विजिबिलिटी बहुत कम है, तो पहले मैं उसे ले के आती हूँ, उनको भी आगे जाना रहता है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। साथ में मैं चाय भी बनाते जा रही हूँ, वही जो केतली मतलब जिसमें दूध खाली किया था ना मैंने, उसी में मैं जो है चाय बना रही हूँ। और अभी बनाऊंगी चटनी। ये रहा जो है वो ठंडे करने के लिए मैंने बाहर छोड़ के रखा था, क्योंकि टमाटर मैंने अभी जो है ना आग में भुना था, इसीलिए तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो मिला के और धनिए की जो है वो मज़ेदार चटनी बनाऊंगी। और उसके बाद फिर एक बार जो है ना अपम डालने के बाद जो है वो आप दूसरा काम कर लेते हो, तो इस पर जो है कम से कम आपको 10 मिनट का समय ज़रूर मिल जाता है, तो उस बीच आप जो है अपना दूसरा काम कर सकते हैं, तो अच्छा रहता है। क्योंकि चीला बनाने में एक बनाया, फिर 10 मिनट रुको, फिर दूसरा, ऐसे करके। और यहाँ अपम तो एक साथ जो है बहुत सारे निकल आते हैं, तो वो भी मज़ेदार होता है। और आप इसको कैसरोल में रख दो तो वो गर्म भी रहता है। यहाँ जब भी मैं जो है ना मिक्सी चलाती हूँ ना, तो सारे घर वाले बोलने लगते कि क्या पीसते रहती हो दिन भर। लेकिन चलिए, धनिया की चटनी भी हो गई, उसे समेट के मैं तुरंत जो है ऊपर ही रख दूँगी। कोई भी चीज़ जो है ना वो बिखेर के नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर सामान जो है आप चीट के रख दोगे ना, बाद में फिर उसी चीज़ को जो है संभालने में जो है मुश्किल होता है। धनिया की चटनी को मैं एक छोटे से जो है वो मेरा ये टिफ़िन बॉक्स है, जिसमें मैं अक्सर जो है वो चटनी ही रखती हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का चटनी हो। तो मोस्टली अभी धनिया की चटनी जा रही है उसके अंदर, और इसे साफ़ कर दूंगी, मतलब जो भी बोल भी है उसे भी क्लीन कर दूंगी, जिसमें मैंने अभी धनिया की चटनी बनाई थी उसे भी मैं पानी से साफ़ कर दूंगी, साफ़ करके साइड कर दूंगी। इससे क्या होता है कि आप देन एंड देयर सारा काम करते जाते हो और आपको जो है आराम भी हो जाता है। अभी जो मैं भैया से दूध लेके आई हूँ, वहाँ थोड़ा सा उसमें पानी दूंगी और अभी उसको भी चढ़ा दूंगी। एक तरफ जो है मेरा अपम बन रहा था और एक तरफ जो है वो चाय चढ़ाई थी, तो वो दोनों कम्प्लीट होगा तभी मैं जो है इसे चढ़ाऊंगी। ये मैंने कुकर लाया है, अभी दाल भी लगा दूंगी, तब तक मैं नाश्ता कर लूंगी। और ये धनिया का जो मिक्सर था जिसमें थोड़ा सा था, तो उसमें पानी दे के मैंने उसे कुकर में डाल दिया, अब उसी में जो है वो दाल डाल दूंगी, तो अच्छी सी जो है वो दाल भी बन जाएगी। और इसे धो के बाहर रख के आती हूँ, तब तक ये सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसे जार को जो है
अंदर रख लूँगी। या मैं चाय में अदरक दे रही हूँ जो कि मेरे लिए ही है केवल चाय, और साहब का चाय मैं निकाल चुकी हूँ, वो एक्चुअली जो है वो अदरक खाते नहीं, इसीलिए ये लास्ट मुझे डालना था। अपम दोनों बन के जो है वो कंप्लीट हो गया, दो ही जो है वो बना था, मतलब ज़्यादा मैंने उतना किया नहीं था, नाश्ता था इसलिए हल्का फुल्का ही बनाया था। ये जो गाइस है ना वो रागी का आटा का बना हुआ है, इसलिए आपको इस तरह का दिखाई देगा, और अच्छा है, कोई इसमें ज़्यादा जो है अंतर नहीं है। रागी का आटा जो है, जैसे इसमें मैंने जो है ना वो दो बड़े कप जो है वो रागी का आटा लिया है, और जो है आधा उसी कप का आधा जो है वो मैंने फिर बेसन लिया, बस केवल बाइंडिंग थी इसके हिसाब से मैंने जो है वो लिया है दो कप जो है रागी, और इसका जो है थोड़ा उससे कम इतना जो है बेसन। बेसन केवल बाइंडिंग पर्पस के लिए है। और ये देखिए अभी भी थोड़ी सी सब्जियां यहाँ जो है, अमरूद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे मैं फ्रीज से निकाल के लाई हूँ कि बाद में जो है वो खाना होगा तो खाया जाएगा, बहुत खूबसूरत। अभी तो इतना सारा ये सब अमरूद आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। बस हो गया है, चाय भी यहाँ हो गया। मैंने दूध की केतली जो खाली की थी अभी, ये जैसे मलाई निकाली उसमें, तो ये केतली खाली हुई उसी में मैंने चाय चढ़ा दिया था, और ये कंप्लीट हो गया है। सर का भी पूजा ख़त्म नहीं हुआ है, वो दरवाज़ा खुल जाएगा इसके मतलब समझिए पूजा जो है बज रहा है। लेकिन आसमान को देखिए अभी भी यहाँ पर धुंध ही लगी हुई है, धुंध तो काफ़ी चल रही है अभी। जो है वो मेरे लिए छोड़ा गया है ये मिश्री, और ये नहीं डाले, इसमें हो गई धनिया की चटनी। गई जी शाम का समय है, मैं आई हूँ चाय बनाने। बर्फ जम गया है, अरे मेरे को नीचे कुछ और है। हाथ धोया था तुम? निकू मैगी बना रहा है और साथ में बना रहा है अपने लिए केक, और नन्नू देखिए कुर्सी पे, जान जाए तो जाए लेकिन सिंचन ना जाए, देख रहे हैं? जाओ निकू, नन्नू देखिए आखिर ये चढ़ी गई देखने के लिए गई। एक तरफ निकू का जो है वो केक बन रहा है यहाँ पे हो गया है, और एक तरफ जो लो बंद भी हो गया, और ये जो है ना इन्वेस्टिगेशन करने गई है छोटी बहन, इसीलिए होती ही है। ये चढ़ा है छोटे बोल में इसका मैगी, इस बच्ची का मैगी। तुम लोगों का डिनर आज यही रह गया, तो यही खाओगे ना डिनर? क्या नन्नू डिनर यही खाएगी ना तुम? मुझे भी देना एक गिलास पानी। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं बालकनी में जो है ना वो किसी ने जो है वो ऐसे ही मतलब आग जलाया हुआ है। ये ज़रूर बिहारी भाई होंगे, एकदम 110% श्योर, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जो है ना अभी के मौसम में ऐसा जो है वो थोड़ा आग मतलब लगा के उसमें थोड़ा लिट्टी वगैरह बनाते बनाते हैं। मुझे लग रहा है आपको नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है दो तीन लोग भी है अगल बगल, तो वो कारनामा कर रहे होंगे, उसी में बैंगन भूंज रहे होंगे, उसी में टमाटर, और फिर मस्त आलू बैंगन की चोखा, और साथ में लिट्टी रहेगा। तो मैं देख रही थी बहुत दिन से देर से इसीलिए मैं आपसे साथ शेयर की, और वहाँ नीचे हो रहा है पार्टी, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो भीड़ जो है वो बढ़ जाएगा। मैं अचानक ऐसे ही रैंडम आई थी देखने के लिए, तो देखते देखते वहाँ मेरी नज़र चली गई। वहाँ वो देखिए वो वाली काहे के लिए सॉस दे रहा है जब वो नहीं खाती है। काफ़ी पानी जैसा जो है वो मैगी है, काफ़ी पानी है, इतनी सूपी मैगी कौन खाता है? और नन्नू यहाँ देख लीजिए, भैया से जो है वो भी लड़ाइयाँ हो रही थी इसकी। बन गया तेरा ब्राउनी, ये तो बंद हो गया।
वाओ, हाँ सही में बन गया। हाँ बन गया, देखो चम्मच पूरा क्लीन है ना। अब इसको थोड़ा ठंडा होने दो और उसके बाद का गरम गरम भी खा सकता है, ब्राउनी तो गरम ही खाया जाता है। अच्छा ये एक ओरियो जो दिया है ना वही बाहर है नहीं ये वाली, पर बहुत जो है वो लग रहा है एकदम पठारी इलाका जैसा तुम्हारा ब्राउनी, और क्रीम जो है वाइट जो है वो अच्छे से तुमने बीट नहीं किया, मतलब मिलाया नहीं, नहीं तो बनेगा अच्छा। ओ ऐसे क्यों कर रहे हो, कम्प्लीट योर मैगी ना फर्स्ट, उसको तब तक ठंडा हो जाएगा, उसका अपना स्वाद होगा। इसको चारों तरफ से किनारी करके और अभी प्लेट में निकालते हैं, ठीक है, और उसको काटेंगे भी और बस हैप्पी न्यू ईयर। अरे बस बस कल का दिन याद है, नहीं निकला अरे नहीं मैंने देखा था। मुझे माफ कर दो, मैं उससे खा गई। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, वो पुडिंग योशिना का बैंक की भी नहीं थी। चलो पास हो गया तुम्हारा पुडिंग, और ये बन गया डोरा केक। हाँ ये डोरा केक है, बिल्कुल गर्म है गाइस, देखिएगा इसमें भाप भी निकल रहा है हल्का हल्का। क्या बनाया है मुझे नहीं पता है, लेकिन बोल रहा है नाम की डोरा केक बनाया, खा के देखो चम्मच वैसे काटा जाता है। अरे छूट जा ठीक है, चीवी तो नहीं है, एक और बाइट खाओ। नानू तुम्हारी टोपी कहाँ है, और ना ये सॉक्स, वेरी नाइस। चलो चलो ठंडा लगेगा, चलो अंदर चलो। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हमारे बिल्डिंग और सोसाइटी में तो देख ही रहे क्या हो रहा है। पटाखा छोड़ किधर रहा है यार, हवा दे के बता। भीड़ तो देखिए, देख रहे हैं भीड़, हमको लगा था कि ठंडा में कोई नहीं जाएगा। न्यू ईयर का पार्टी वो भी मुफ्त का कौन छोड़ेगा, ठंडा भी एकदम जो है ना नोएडा में एकदम, मतलब कहते हैं एकदम हाइट पे है, एकदम हाइट पे 7 डिग्री टेम्परेचर, और साल 2014। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे कल आपको 1 जनवरी को, तब तक आप सबको जो है बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।